नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप Samsung का मोबाइल फोन यूज करते हैं और यदि उसके अंदर अगर आप कोई भी वॉइस टाइपिंग करते हैं तो वो सारी वॉइस टाइपिंग इंग्लिश में ही होती है। अगर आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं माइक के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो भी मेरी जो टाइपिंग होगी वो सारी इंग्लिश में ही टाइपिंग होती है। अगर मुझे इसको हिंदी में टाइपिंग करना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड के अंदर मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसमें आपको सेटिंग करना होगा। उसके बाद में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइप नहीं करना होगा, सिर्फ आप बोलोगे और ऑटोमेटिक वॉइस टाइपिंग हो जाएगी। तो वही सेटिंग आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे पास जो मोबाइल फोन है वो सैमसंग का है और इसी मोबाइल फोन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई सा भी आपके पास सैमसंग मोबाइल फोन हो सभी मोबाइल फोन में ये जो ट्रिक है वो वर्क करेगी। तो चलिए यहाँ से मैं व्हाट्सएप को ओपन करके यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा और यहाँ पर आपको एक मिलेगा माइक का आइकन। हो सकता है आपको सेटिंग का आइकन कीबोर्ड में ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पर माइक का आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज आ जाएगा वॉइस टाइपिंग लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही सेलेक्ट आता है। जब भी आप अपने मोबाइल फोन न्यू लेते हैं या फिर रिसेट करते हैं तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही आता है। तो इसको यहाँ पर टिक आपको हटा देना है और आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहां से आपको हिंदी मिल जाएगा, हिंदी यहां पर भारत लिखा हुआ, इसके ऊपर आपको टिक करके यहां से आपको ओके कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैक आ जाना है। तो अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हिंदी में वॉइस टाइपिंग होती है या फिर नहीं। तो चलिए यहां से मैं अभी माइक को ओपन कर लेता हूं और यहां पे जो भी मैं टाइपिंग करूंगा वो सब कुछ हिंदी में होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर आपको क्लिक करना है, अगेन आपको लैंग्वेज पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी वाला जो आपने सेलेक्ट किया था इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको बैक करना है। उसके बाद जो भी आप टाइपिंग करेंगे वॉइस टाइपिंग वो सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल फोन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।